आ रही बड़ी खबर की प्रतापगढ़ में बाल मजदूर के साथ दरिंदगी की गई है। मासूम की कोयला व्यापारी ने की है पिटाई, एसपी के जिला अध्यक्ष के सामने पिटाई, एसपी जिला अध्यक्ष ने रोही रोकी मासूम से दरिंदगी। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए ये तस्वीरों में किस तरह से मासूम की जमकर पिटाई की गई है। कोतवाली के गाजी चौराहे की पूरी घटना है, तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे एक मासूम के साथ मारपीट की जाती है, बुरी तरीके से उसे पीटा जाता है। तो बाल मजदूर के साथ दरिंदगी की गई है, प्रतापगढ़ का पूरा मामला है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे रिपोर्टर उज्जवल सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उज्जवल, हम आपसे जानना चाहेंगे पहले पूरा क्या कुछ है पूरा मामला, क्योंकि बाल मजदूरी तो पहले अपने आप में बहुत बड़ा गुनाह है और उसके बाद उसकी पिटाई भी की गई। जी, ये पूरा मामला शहर के गाजी चौराहे का है, जहाँ पर एक कोयले की बिक्री की दुकान है, जहाँ पर एक 10 साल का बच्चा काम करता था। उस पर दुकान मालिक ने चोरी का आरोप लगाते उसके उसको सरेराह उसकी जमकर पिटाई की। और सबसे ज्यादा शर्मनाक बात यह रही कि वो ये सारा मामला सपा के जिलाध्यक्ष भैया राम पटेल के सामने घटित हुआ। उन्होंने ना तो उसको बचाने का प्रयास किया और ना ही पुलिस प्रशासन से ऐसी कोई शिकायत की। जी उज्जवल, इस वक्त क्या कुछ अपडेट मिल रही है, क्या लग रहा है कि पुलिस के आला अधिकारियों ने अभी तक उस पर कोई संज्ञान लेते हुए एक्शन लिया है इस दुकानदार के खिलाफ, व्यापारी के खिलाफ? इसमें किसी ने इसकी शिकायत की है, ना तो बच्चे की तरफ से कोई शिकायत हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सपा के जिला अध्यक्ष भैया राम पटेल ने भी इसकी घटना की जानकारी पुलिस को नहीं दी है। जी हाँ, वो समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष है, उनके सामने इतना बड़ा मामला हुआ और सत्ताधारी पार्टी से जुड़े हुए नेता है, तो कम से कम उनकी जिम्मेदारी तो बनती थी। लेकिन उज्जवल, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि सपा की सरकार चल रही है और ऐसे में पिटाई तो बहुत दूर की बात है, एक बाल मजदूर काम कर रहा है लगातार तो उस पर ध्यान नहीं दे रहे, तो पिटाई तो उनकी नजर से दूर रहेगी। देखा जाए तो अखिलेश सरकार जहां ये दावा करती है कि वो बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए दृढ़ संकल्प है,